गौरव दिवस पर मां पीताम्बरा जयंती की तैयारियों को लेकर गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रवास के दौरान दतिया अपने निज निवास पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी। तत्पश्चात गृह मंत्री ने 4 मई को मां पीताम्बरा जयंती दतिया गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर हनुमानगढ़ी परिसर में समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कहा 3 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम बगीखाना परिसर में होंगे, जिससे कार्यक्रम का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। गृह मंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि हम सभी प्रयास करें कि आयोजन भव्य एवं ऐतिहासिक हो। गृह मंत्री ने सभी से बैठक में उपस्थित जिले के मुख्य अधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नागरिकों से कहा कि कार्यक्रम को अपना समझते हुए अपनी पूर्ण भागीदारी निष्ठा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाएं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 मई को मां पीताम्बरा के रथ को दाएं तरफ पुरुष वर्ग की लाइन रखेगी एवं बाएं तरफ महिलाओं की लाइन पूरे अनुशासन में रथ को खींचेंगे। रथ यात्रा के दौरान बाजार में दुकानदार सड़क पर अपनी सामग्री को न रखे। इसी दौरान अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने 3 मई तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने अभी तक की कई तैयारियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बैठक में उपस्थित गृह मंत्री के साथ दतिया कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौड़, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, युवा नेता एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके लोग हैं वो भी शामिल हैं और जिनके पास इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं, जैसे स्वामी जी महाराज कॉलेज है या रावतपुरा है, जहां पे हॉल्स हैं और हॉल्स के साथ साथ टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था भी है, और साथ में बल्कि उनको ये भी करना चाहिए कि वहां पे उनके भोजन की व्यवस्था भंडारे के तौर पे, अगर मान लीजिए जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो जो अतिथि होंगे उनको ये ऑप्शन देंगे कि आप के पास अगर अपनी खुद की व्यवस्था नहीं है तो आप इस समिति से बात कर सकते हैं और वो आपको समुचित जगह बताएंगे कि यहाँ पे आपके ठहरने की व्यवस्था है, और जितने लोग जहां के लिए रजिस्टर्ड होंगे अकॉर्डिंगली वहां पे उनको भोजन मिल जाए। चूंकि धार्मिक कार्यक्रम में आ रहे हैं तो भंडारे के तौर पे निःशुल्क व्यवस्था हो जाए, तो ऐसा भी ये समिति ही करे। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे अभी माननीय ने बताया कि इतने काफी लोग आएंगे। अब अपन ने दतिया महोत्सव किया, फाग महोत्सव किया, उसमें सेक्टर बना दिए थे। रथ यात्रा जो होती है वो एक धारा प्रवाह की तरह होती है, उसमें सेक्टर नहीं होता। तो मेरा ये विचार है, यदि आप सभी लोग सहमत हैं तो सड़क के बाईं तरफ महिलाएं चले और दाईं तरफ पुरुष चले। बहुत सही। सभी लोग पालन करें, ये मेरी सभी से अनुरोध रहेगा। दूसरा, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध ये है कि उस दिन जब रथ यात्रा निकलने वाली हो उस समय अवधि में अपना कोई भी सामान सड़क पर न रखें। आप सभी लोग ये स्वयं से तय कर लें, नहीं हमको आकर के ना पुलिस को अनुरोध करना पड़े, सभी स्वयं अनुशासन से इसका पालन करें। एक तीसरा विषय जो आता है, अक्सर जो लोग खरीदारी करने आते हैं वो अपनी बाइक रख देते हैं और ये बोलते हैं हमको 2 मिनट के लिए सामान खरीदना है, उस 3-4 अवधि में इसको न करें। बहुत अगर अवधि बंद तो नहीं रह सकती क्योंकि स्वागत वर्षा वगैरह होगी, लेकिन उस अवधि में बाइक खुली छोड़ के अपनी या कार खुली छोड़ के कोई न जाए, क्योंकि उसको फिर हटाना पड़ता है, गाड़ी बुलानी पड़ती, बड़ी अव्यवस्था होती है। आखिरी विषय एक ये, पानी पीने के लिए जो अपन काउंटर लगाना चाहते हैं, इनके स्कूल में आराम से 200-400 आदमी उठ सकते हैं, पर इन्हीं से कह दें कि यही उस दिन चतरा या फर्सिया गद्दा डाल दें, कोई रुकना चाहे तो। कैसे हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल 25-50 है, रावतपुरा कॉलेज है, उनसे ही कहना कि वही गद्दे डाले, हमें नहीं कहना, हमें नहीं डालना है। और हमारी इस तरह की सूची में आपने जो पढ़ा उसमें इसका उल्लेख नहीं था, पर हमारी तरफ से वो एक नोटिस बोर्ड पे पीताम्बरा पे या कहीं एक स्थान पे अभी से लगा हो कि जो प्रवासी लोग आएंगे वो इन स्थानों पर जा सकते हैं, इन स्थानों पर वहां लेट बात की हो, पीने के पानी की व्यवस्था है, प्रसाद तो यहां रहेगा ही रहेगा, सब खाएं और जाएं। माई के भक्त जितने भी हैं तो हमारे इतने सारे कॉलेजों में इनको अगर रोकने की व्यवस्था हो या एक दिन पहले आ जाए, आपका भी है नहीं तो जब वो इसके लिए भी एक समिति इन्हीं की बना रहे, जो प्रणब जी है, प्रशांत जी है, और जो होटल वाले और लॉज वाले हैं माई से ही कमाते हैं वो 365 दिन,
आप जैसे हमने अभी सरकारी छुट्टी कर दी, उन होटल कलेक्टर सुनते हैं मेरी बात को, इन होटल वालों को आप हाथ जोड़ लें और समिति वाले हाथ जोड़ लें, तो उस दिन को निःशुल्क रखना होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।